हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्पंदन एकेडमी टुडे बी रीड सिविक्स ऑफ क्लास चैप्टर सिक्स रूलर एडमिनिस्ट्रेशन गांव का प्रशासन मोहन इज ए फार्मर हिज फैमिली ओनस ए स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर एनी ईयर्स नेक्स्ट टू हैज़ फील्ड इज रघू लैंड विच इज सेपरेट From his by a small boundaries called a bund. इस लेसन में हम गांव का प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे और इसमें दो लोगों के विषय में दो किसानों की परिवार की कहानी बताई हुई है कि वो किस तरीके से झगड़े करते हैं अपनी खेती के विषय में कि एक स्टोरी के रूप में आपको समझाया गया है तो भारत में छः लाख से अधिक गांव हैं जिसमें पानी बिजली सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं होता है तो इसमें जो जमीन के दस्तावेज़ होते हैं उनके रख रखा आपके लिए बहुत ज़्यादा विवादों को निपटाने की जरूरत पड़ती है सबकी व्यवस्था करना प्रशासनिक ढांचा होता है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है एक ही मोहन है एक किसान है उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हल जमीन है जि, जिस पे वह कई सालों से क्या करता है खेती कर रहा है इसके उस जो मोहन है उसी के खेत से लगा हुआ एक लघु का खे रघु का खेत है और दोनों के खेत की एक छोटी सी मुंडेर है अलग होती है हैं तो एक सुबह मोहन ने देखा कि लघु ने मेड़ पर थोड़े आगे बढ़ा बढ़ा ली है ऐसा करने से उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली उसने मुंडेर थोड़ी बढ़ा ली जिससे क्या हो गया कि मतलब जो मोहन है उसकी ज़मीन लघु के पास चली गई तो खेत में आकार बढ़ गया मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ डरा भी था कि लघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके जो गांव गाँव में सरपंच थे उसके जो ताऊ फिर भी मोहन ने फिर भी मोहन ने क्या करा हिम्मत जुटाई और लघु के घर पहुंच गया दोनों के बीच क्या हुई कना सुनी हुई बहस हुई तो लघु ने यह माना मानने से इनकार कर दिया कि उसने जो मेड़ है उसको आगे बढ़ाया थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया इसके बाद क्या हुआ कि जो लघु है रघु उसने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला चिल्लाने लगे और उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया हल्ला हो सुनकर क्या हो गए पड़ोसी आ गए आसपास उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है और बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया मोहन के सिर पर हाथ पर क्या हुआ गहरी चोटें आई एक पड़ोसी ने उनकी क्या करी मलम पट्टी करी और मोहन के जो दोस्त थे और उन्होंने गांव के डाकघर में काम करता था उसने उसको सजा सुझाव दी कि वो स्थानीय जो पुलिस थाना है वहाँ पर क्या करें अपनी सुनवाई लेकर जाए पुलिस को कंप्लेंट करे रघु के विषय में एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन पुलिस थाने का क्षेत्र अब इसमें पुलिस थाने का क्षेत्र है जब वो वो पहुँचता है रघु तो क्या करता है कि थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा कर खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है हम हम है ना तो बात पैसे की नहीं है हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवाएं मतलब हम अपनी बात इसी थाने में कहें क्योंकि ये हमारा गांव का कार्य क्षेत्र है गांव के कार्य क्षेत्र में ये पुलिस स्टेशन आता है है ना द वर्क एट द पुलिस स्टेशन पुलिस थाने में होने वाला काम तो पुलिस थाने में क्या काम होता है तो जब लोग पुलिस थाने पहुँचे मोहन थाने के पास गया और उसने पूरा मामला बताया जिसमें यह बताया कि उसने शिकायत लिखित रूप में देना चाहता था तो थाने ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जाल पड़ताल का समय नहीं है तो मोहन ने अपने घाव को भी दिखलाया कि थानेदार पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो मोहन हैरान हेरा, था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही मोहन बाहर बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया पड़ोसियों ने भी थानेदार को समझाया कि मोहन उसकी आँखों के सामने पिटा है पीटा गया है अगर वे उसे ना बचाते तो वो उसको गंभीर चोटें आती उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया फिर क्या हुआ अंत में थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन की जो शिकायत थी उसको लिखने को कहा थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन वह हवलदार की हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंचेगा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राजस्व विभाग का काम अब राजस्व विभाग का क्या काम है तो आपने पढ़ा होगा कि मोहन और रघु के खेत की जो मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई है क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेता क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड है जिसे जिससे ये पता चला जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है तो अपन इसका पता कैसे लगाएंगे तो ज़मीन को मापना तथा उसका रिकॉर्ड करना किसका काम होता है पटवारी का काम होता है जो अलग अलग राज्यों में अब उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है तो कहीं क्या बोलते हैं अपन उसको उनको बोलते हैं पटवारी बोलते हैं कहीं अपन बोलते हैं लेखपाल और कहीं अपन बोलते हैं उनको कर्मचारी ग्रामीण अधिकारी को कहीं कानूनों कह कानूनों गो भी कहते हैं तो हम यहाँ जमीन का जो लेखा जोखा रखने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको पटवारी शब्द कहकर इस्तेमाल करते हैं आप लोग जानते हो ना पटवारी नाम सुना होगा तो उनको पटवारी बोलते हैं जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं और नक्शे रखते हैं रजिस्टर रखते हैं है ना रिकॉर्ड अपना रखते हैं आमतौर पर पटवारियों के पास खेत मापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर होती होगी कभी आपने देखा होगा पुराने लोगों के पास जो पटवारी होते हैं उन लोगों के पास होती वो लोहे की जंजीर जो ज़मीन को नापने के लिए काम में लेते हैं इस कहानी में पटवारी मोहन और लघु के खेतों को नापने को देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं अगर वह नक्शा मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाएगा कि मेल ख सका कर खेत की जमीन आ, की सीमा बदल दी गई है पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगलने उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है ये जो आप देख रहे हैं खसरा तो ये इस तरीके से पटवारी के पास ज़मीन का लेखा जुखा इस तरीके से रहता है कच्चा जिसमें कच्ची सड़कें भी होती हैं पेड़ भी होते हैं मतलब इस तरीके से वो एक मैप बनाते हैं जिसमें उनकी जानकारी रहती है वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता है किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद देता है इस सब का हिसाब रख कर सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है तो इस विभाग के जो वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं भारत सभी राज्य जिलों में बांटे हुए जमीन के जो जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी खंडों में बांटा जा सकता है ज़िले के उपखंडों में कई नाम जाना जाता है जैसे तहसील ता तालुका आदि है ना ज़िला ऊपर अधिकारी होता है उसके नीचे तहसीलदार होता है और विभिन्न मामलों में निपटा निपटाना होता है पटवारी का, का काम करना निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता है राजस्व में और यह भी देखते हैं कि किसान अपना रिकॉर्ड की नकल असली से आसानी से मिल जाए वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जानकारी भी देते हैं तहसील में जो दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं तहसील में है ना न्यू लॉ हिंदू सक्सीजन अमेंडमेंट एक्ट टू हंड्रेड 2005 थाउजेंड फाइव अधिनियम धारा दो हज़ार इसमें एक नया कानून क्या बनाया है कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है और आमतौर पर हमारे ध्यान में क्या होता है पुरुष होते हैं महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने और मददगार भर मानी जाती है ना अपन और उनके बारे में ज़मीन के जो मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता है कि महिलाओं के पास भी ज़मीन हो सकती है अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता पिता की जो मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है हाल ही में ये कानून बदला गया है नया कानून बना है उसके मुताबिक क्या हुआ है जो परिवार में बेटों और बेटियों और उनकी माँ को भी ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा इस कानून में से सबसे बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ है इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ है उदाहरण के लिए सुधा एक खेतहर परि परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और जो शादीशुदा है इसमें भी एक कहानी बताइए उसके पास गांव में रहती है और पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है तो उसकी जो माँ है वे पटवारी से कहकर कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ तो उसकी दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड किया जाए सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है और सुधा भी इस अनिश्चितता से भी जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सके ओके स्टूडेंट थैंक यू